जय भोले की, हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर और अच्छी केदारनाथ की कहानी सुनाती हूँ। इससे आपका शिवजी पर आस्था और विश्वास बढ़ेगा। केदारनाथ को क्यों कहते हैं जागृत महादेव? एक बार एक शिवजी का भगत अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधा तो होती ही नहीं थी, वह पैदल ही चल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उससे केदारनाथ का रास्ता पूछ लेता और मन में शिवजी का ध्यान करता रहता। उसको चलते चलते महीने बीत गए और एक दिन वह केदार धाम पहुँच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुले रहते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पर पहुँचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को उसने बताया कि वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना की कि कृपा कर दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहाँ का नियम था कि एक बार दरवाजे बंद तो बंद, नियम तो नियम है, सभी के लिए एक समान है। वह बहुत रोया, बार बार शिवजी को याद किया कि प्रभु बस एक बार आ जाओ और दर्शन दिखा दो। वह सभी से प्रार्थना करने लगा कि एक बार दर्शन करा दो, लेकिन किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद आना, 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। और सभी जन वहाँ से चले गए। वह वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उसे अपने शिवजी पर विश्वास था कि वो जरूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख प्यास भी लग रही थी। उसने किसी की आने की आहट सुनी, देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आए और उसके पास बैठ गए। पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना यहाँ पर व्यर्थ हो गया। बाबा जी ने उसको समझाया और खाना भी दिया। फिर बहुत देर तक बाबा उससे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई और वह बोले, बेटा मुझे लगता है मंदिर सुबह जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में भक्त को न जाने कब नींद आ गई। सूर्य के प्रकाश से उस भगत की आंखें खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वह कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा कि पंडित जी अपनी पूरी मंडली के साथ आ रहे हैं। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच में कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे ध्यान से देखा और पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर के द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे 6 महीने होते ही वापस आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया, कल ही तो आप मिले थे, रात में मैं यही सो गया था। पंडित जी ने आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके आया था और 6 महीने बाद आया हूँ, तुम 6 महीने तक यहाँ जिंदा कैसे रह सकते हो? सभी हैरान थे, इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भगत ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी आया था, वह लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं थी, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए और मरगशाला पहने हुए थे। पंडित जी और सब लोग उनके चरणों में गिर गए और बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात शिव जी के दर्शन पा लिए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से
तुम्हारे 6 महीने को 1 रात में परिवर्तित कर दिया और कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण हुआ है। आपकी भक्ति को प्रणाम है। तुम ही भगवान शिव जी की कृपा के लायक हो। भगवान तो आस्था और विश्वास देखते हैं जो तुम में था। जो भी भक्त अपने मन, श्रद्धा और विश्वास से शिव जी को पुकारते हैं, उनके पुकारने पर शिव जी जरूर आते हैं। बोलो उमापति महादेव की जय हो, जय हो, जय हो। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले।